जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि शिवालय के अंदर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान शिव को काले तिल क्यों चढ़ाया जाता है और काले तिल किस तरह से चढ़ाना चाहिए, काले तिल चढ़ाने से हमें क्या क्या फायदा होता है। शिव पुराण के अनुसार अनेक औषधियाँ काले तिल, काली मिर्ची, रूली, धतूरा, नाना प्रकार के पुष्प भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। वह चढ़ाने से हमारी दारिद्रता कम होती है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण में ऐसा भी वर्णन है भगवान शिव को काले तिल किस तरह से चढ़ाना चाहिए। हम लोग जानते नहीं है, शिवालय के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं ऐसे ही सूखा काला तिल भगवान शिव के चरण में समर्पित कर देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को काले तिल इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि जिसकी कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु आदि ग्रह की दृष्टि हो, खराब हो, तो भगवान शिवालय के अंदर जाकर शिव के मंदिर में काले तिल चढ़ाने से वह ग्रह शांत होते हैं। क्योंकि शिव की जटा के अंदर माँ गंगा विराजमान है, उसके नीचे ही राहु विराजमान है। जब हम कलश लेकर शिवालय के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जल का लोटा भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान शिव अपनी दृष्टि खोलकर वह भक्त के सामने दृष्टि करते हैं और उसके कारण उसके सब ग्रह शांत तो होते हैं, उसकी दरिद्रता, उसके दुख, उसके कष्ट मिट जाते हैं। किन किन तिथियों में शिवालय में जाकर भगवान शिव को काले तिल अर्पित करना चाहिए? सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्ण तिथि, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, उस दिन भगवान शिव को काले तिल अर्पित करेंगे तो भगवान आपका सब कष्ट और दुख दारिद्र दूर करेंगे। लेकिन किस तरह से चढ़ाना चाहिए? ऐसे सूखे तिल भगवान शिव को समर्पित कतई न करें, क्योंकि उससे घर में दारिद्रता आती है। यद्यपि शिवालय के अंदर जाए तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए, उसके बाद तांबे के कलश के अंदर गंगा जल या जल लेकर उसके अंदर तिल डाले, वही तिल भगवान शिव को चढ़ाए गए तो शिव प्रसन्न हो गए। आपकी कुंडली के अंदर जो भी ग्रह है, राहु, शनि, केतु आदि ग्रह शांत हो गए और आपके जीवन में सदैव के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहेगी। तो भगवान को काले तिल कैसे अर्पित करना चाहिए, वह गंगा जल में या जल के अंदर डालकर भगवान शिवालय के अंदर अभिषेक करें, जिसके कारण शिव इस भक्त के ऊपर दृष्टि करते हैं, उसके कारण उसके सभी ग्रह शांत होते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाने चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।